हेलो फ्रेंड्स, मैं अनामिका। मेरे किचन में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं समर स्पेशल फ्रूट चाट्स की रेसिपी लेकर आई हूँ। तो आज हम क्रीमी फ्रूट चाट्स बनाएंगे। इसे बनाना बहुत ही आसान है और खाने में बहुत ही टेस्टी है, और टेस्टी के साथ हेल्दी भी है। तो फ्रेंड्स, इस रेसिपी को आप जरूर ट्राई कीजिएगा। इसे बच्चे बड़े सभी पसंद करते हैं। और आज की रेसिपी मेरी अच्छी लगे तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करना मत भूलिए। तो चलिए हम क्रीमी फ्रूट चाट्स बनाना शुरू करते हैं। फ्रूट चाट्स बनाने के लिए हमने जो इंग्रेडिएंट्स लिया है वो है मैंगो, जिसे हमने छोटे छोटे पीसेस में काट लिया है, अंगूर, ककुम्बर, क्रीम, अनार के दाने, काला नमक, शक्कर, केला जिसे हमने छोटे छोटे पीसेस में काट लिया है, ब्लैक पेपर, एक हरी मिर्च को हमने बारीक काट लिया है और एक चम्मच हम चाट मसाला यूज करते हैं। तो चलिए हम बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम क्रीम में शक्कर डालेंगे। तो यहाँ पे हम 2 चम्मच शक्कर डाल रहे हैं। आपके पास शक्कर का पाउडर हो तो वो डालिए, जल्दी घुल जाएगा। और यहाँ पे हम 1 चम्मच काला नमक डालेंगे, 1 चम्मच चाट मसाला डालेंगे, आधा चम्मच ब्लैक पेपर डालेंगे और एक हरी मिर्च को हमने छोटे छोटे टुकड़े में काट लिया है तो हम इसे भी डाल देंगे। अब हमें क्या करना है, क्रीम के साथ सारे इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से मिक्स कर लेना है कि जब हम फ्रूट्स मिक्स करें तो आराम से सारे इंग्रेडिएंट्स उसमें मिक्स हो जाए। तो हमने सारे मसाले को अच्छे से ऐड कर लिया है। अब हम अगला प्रोसेस शुरू करें। अब हम एक मिक्सिंग बाउल लिए हैं, इसमें सभी फ्रूट्स को ऐड करेंगे। तो सबसे पहले हम ककुम्बर के पीसेस को डाल रहे हैं, ग्रेप्स, मैंगो। तो यहाँ पे आप अपने मनपसंद का फ्रूट्स ऐड कर सकते हैं। हमने जो घर में इजीली अवेलेबल होता है वही डाले हैं। इसके बाद आप पाइनएप्पल, कीवी जो भी डालना चाहें डाल सकते हैं। तो हमने 2 बनाना को भी स्लाइस में काट लिया है, उसे भी ऐड कर देंगे। अब हम अनार के दाने को डालेंगे। तो यहाँ पे हम आधा अनार के दाने डाल रहे हैं, थोड़ा सा गार्निशिंग के लिए बचा लेंगे। फ्रूट्स अपना ऐड हो गया। अब हम जो क्रीम में मसाला डाल के मिक्स किए थे उसको डालेंगे। तो ऐसे हम सारे इंग्रेडिएंट्स को मिक्स करके और इसमें क्रीम डालेंगे और इसे हम अच्छे से मिक्स करेंगे। तो हमने क्रीम के साथ फ्रूट्स को अच्छे से मिक्स कर लिया है। ये अपनी क्रीमी फ्रूट चाट बनकर तैयार है। अब हम इसकी प्लेटिंग करेंगे। तो हम एक प्लेट लेंगे और इसमें इसकी प्लेटिंग करेंगे। ये बहुत ही हेल्दी और पेट में भी ठंडक देने वाला ये रेसिपी है। बनाना जितना ही आसान है उतना ही हेल्दी और टेस्टी रेसिपी है। अब हम ऊपर से थोड़ा सा अनार डाल देंगे जिससे इसका लुक बढ़िया दिखे। तो आप ध्यान से देखिए कितनी बढ़िया अपनी क्रीमी फ्रूट चाट तैयार है। इसे बनाना बहुत ही आसान है और खाने में बहुत ही हेल्दी और टेस्टी है। तो इस रेसिपी को आप जरूर ट्राई कीजिए। तो फ्रेंड्स, ये समर के लिए हेल्दी फ्रूट चाट बनकर तैयार है, इसे आप जरूर ट्राई कीजिए। ये बड़े बच्चे सबको पसंद आता है और खाने में हेल्दी टेस्टी होता ही है। तो अगर आज की मेरी ये रेसिपी आपको पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करना मत भूलिए। धन्यवाद।